के समान मिलकर आकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए एक अच्छा अवसर परमेश्वर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिन परमेश्वर के वचनों से हम लोग कलीसिया के बारे में सीख रहे थे, कलीसिया के नामीकरण के हिसाब से उदाहरण के रीति से खेती के विषय, कलीसिया को खेती के एक उदाहरण के रीति में बता रहे, उस चीज़ के बारे में मैं हम लोग पढ़ के आ रहे थे। तो आज भी उसी चीज़ का मैं कंटिन्यूशन करना चाहता हूँ, खेती। तो नया नियम में खेती किस तरीके से किया जा रहा है, खेती की वर्णना कैसे बताया गया, उस चीज़ों के बारे में हम लोग देखें। मत्ती लिखित सुसमाचार 21वां अध्याय उसका 33, यीशु मसीह एक खेती करने वाले व्यक्ति के जीवन के बारे में यहाँ बता रहे, नहीं तो एक कहानी बता रहे। देखिए उसका 33, यस, उसके बाद हेलो प्रेज़ जीसस, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं तो देख सकते हैं एक दुष्ट खेती करने वाला, नहीं तो एक दुष्ट कौन, फार्मर दुष्टता से पूर्ण वाला एक व्यक्ति उसके हाथ में इस खेत को दे दिए। हेलो, यहाँ पे देख सकते हैं उसका शुरुआती 33वां वचन में लिखा है क्या लिया है, एक आदमी ने क्या किया, द्राक्षलता को लगाया, उसके चारों ओर क्या किया, दीवार बनाया, दीवार बनाने के बाद भी क्या किया, उस द्राक्षरस से प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या किया, एक कुंडी भी बनाया, उसके बाद एक टावर भी बनाया। बनाने के बाद एक व्यक्ति को क्या किया जानते हो ना, कॉन्ट्रैक्ट देकर बोला तू इस खेती का क्या कर, अच्छी तरीके से सिंचन कर, अच्छी तरीके से देखभाल कर, अच्छी तरीके से फलपूर्णता को क्या कर, ले आने के लिए कोशिश कर। तो ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, दुष्टता से पूर्ण वाला एक व्यक्ति है। एक दुष्ट व्यक्ति अगर खेती बाड़ी करेगा क्या करेगा, देने वाला का नष्ट कराएगा। इसलिए कलीसिया के अंदर आजकल बहुत सारे लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं मगर वो खुद अपने फायदे के लिए खेतीबाड़ी कर रहे हैं, दुष्टता से पूर्ण होकर वो लोग क्या कर रहे हैं, खेतीबाड़ी कर रहे हैं। इसलिए एक चीज हमें मालूम करना चाहिए, कलीसिया परमेश्वर का है और वो खेत परमेश्वर का है और उस खेत में परमेश्वर हमें क्या किए हैं, एक अच्छे परिश्रमक, एक अच्छे फार्मर के हिसाब से परमेश्वर हमें रखे हैं ताकि उस खेत से जो कुछ भी उगता है, जो कुछ भी फल आता है वो लाभदायक बने। तो दुष्ट फार्मर क्या करेगा, अपना फायदा का देखेगा, पर्सनल बेनिफिट्स। हेलो, बहुत सारे लोग ऑफिसों में काम करते हैं, ऑफिस में काम करेंगे, ऑफिस की तनख्वाह लेंगे, ऑफिस की एसी में बैठे रहेंगे, सब कुछ करेंगे, ऑफिस का वाईफाई करेंगे और जाते वक्त क्या करेंगे, उसी ऑफिस का पेन बुक्स और पेपर छोड़ी करके लेके जाएंगे। हेलो, अरे तेरे को ऑफिस में रखा गया है और वो ऑफिस की बेनिफिट सर को दिया गया है, इसका अर्थ ये ही नहीं कि वहां का जो कुछ भी है वो सब कुछ तेरा है। हेलो, वो दुष्टता से पूर्ण वाला एक व्यक्ति है। और कितने लोग हैं, ऑफिस आवर्स रहेगा 8 घंटा, वो ऑफिस में 12 घंटा रहेगा, क्यों जाते हो ना, एसी का खर्चा बढ़ाने के लिए। अगर घर में जाएगा ना वही एसी लगाने से क्या होगा, उसका बिल उसको देना पड़ेगा, मगर वही व्यक्ति बहाने के नाम में ऑफिस में बैठे रहेगा, एक्स्ट्रा आवर कुछ करेगा नहीं, खाली पिज्जा खाएगा, चाय पिएगा। वो दुष्टता से पूर्ण वाला व्यक्ति है, वो कंपनी का फायदा नहीं, वो खुद का फायदा।
8 घंटा ड्यूटी मगर बैठता 12 घंटा, क्यों? ताकि एसी की हवा लगे। और जाएगा घर कितने बजे? करेक्ट खाने खाने का टाइम में, रात 10 बजे घर पहुंचेगा, तुरंत खाना खाए, फिर अपने घर का एसी के नीचे आरामदायक नींद, फिर सुबह उठेगा 8 बजे, वही ऑफिस में आके बैठेगा, वही ऑफिस की चाय पीने पिएगा, वही ऑफिस में पिज्जा खाएगा, वही ऑफिस का एसी सब कुछ पाएगा, वही ऑफिस का वाईफाई यूज करेगा, वही ऑफिस को पूरा क्या करेगा, खींच खींच के क्या बोलते हैं, वो एक कीड़ा है जो खून चूसता है, चूस चूस के। अगर वो कंपनी तेरा हो, वहां का मालिक बॉस तू हो, तो तू ऐसा करेगा? तू किसी और को ऐसे करने देगा? इसलिए मेरे बोलने का मतलब, दुष्टता तेरी अंदर पूर्ण है तो तू जहां कहीं भी काम करेगा दुष्टता से ही व्यवहार करेगा। इसलिए कलीसिया के अंदर बहुत सारे खेतीबाड़ी करने वाले लोग दुष्टता से पूर्ण, अपना फायदा देखने वाले। इसलिए बहुत सारे लोगों का प्रार्थना सुन के देखो दुष्टता क्या है, पता चले, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा बिजनेस, मेरा मेरा मेरा, बाकियों का कब रहेगा? वो दुष्टता से पूर्ण वाला प्रार्थना है। यीशु मसीह जब प्रार्थना सीखा है, दो चीज को परमेश्वर बहुत गुरुत्व वाले के रीति से बोले, दो चीज, एक मेरी दिन की आहार, माय डेली फूड, माय डेली प्रोविजन, उसके लिए तू प्रार्थना कर सकता है। नंबर टू, माफी के लिए, किसके किसके विरुद्ध माफी? माफ करना है। मैं माफ नहीं करके दूसरों को माफ करो बोलने से होगा? वो दो ही पॉइंट परमेश्वर बोले, एक प्रोविजन के लिए, दूसरा फॉरगिवनेस के लिए, माफी के लिए। वो दो चीज ही अपने लिए हम खुद पूछ सकते हैं, बाकी जो कुछ भी है वो दूसरों के लिए। आया ना, हे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा राज्य, बोले नहीं, प्रार्थना भूल गए क्या? तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जो कुछ भी है वो पृथ्वी में हो, उसका अर्थ क्या है? मुझे उसमें भाग्यवान कर, मेरे साथ में जो लोग हैं उनको भी उसमें मिला। उसके बाद क्या कह गया? मेरी रोटी मुझको दो, मुझे माफी दो, ताकि मैं दूसरों को क्या कर सकूं? माफी कर सको। हेलो, तेरे को जो प्रोविजन दिया गया वो तेरे लिए है ही नहीं, वो तेरे लिए जब कुछ जब है, जब तेरे लिए तूने मांगा है, वो दूसरों के लिए देने लायक रीति से प्रार्थना बदल। तू ऑफिस में काम कर, नो प्रॉब्लम, तेरे को 8 घंटा ड्यूटी है, 8 घंटा ड्यूटी कर, तनख्वाह लेता है ऑफिस का, फायदा ऑफिस का कर। हेलो, दुष्टता सा पूर्ण नहीं हो सकता, उसमें कोई लेन देन नहीं। इसलिए यीशु मसीह यहां बता रहे हैं, एक दुष्ट व्यक्ति के हाथ में खेती जाने से क्या होगा? किस चीज का खेती है? हेलो, ये किस चीज का खेती है? द्राक्ष, नहीं तो अंगूर, अंगूर। अगर दुष्ट व्यक्ति को उस खेतीबाड़ी का इंचार्ज कर देंगे तो मालिक को कुछ मिलेगा? मिट्टी भी नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से मैं बोलता हूं वो जमीन भी उसके नाम पे लिख देगा, है ना? ऐसे सुने हो ऐसे लोगों को? जिस कंपनी में काम करेंगे उसी कंपनी को खरीदारी भी कर देंगे, उसी कंपनी को बेच भी देंगे। जो चर्च में है, जो कलीसिया में तुझे रखा गया, उसी कलीसिया को बेच भी देंगे, उसी कलीसिया को अपने नाम भी कर देंगे। वो दुष्टता है।
तो मेरे को एक चीज मालूम नहीं पड़ रहा है, परमेश्वर कैसे इस व्यक्ति को इस खेत दिए। उस खेत उस व्यक्ति को देने के कारण क्या है जानते हो ना, ताकि वो उस खेत में क्या कर सके, फल पूर्णता ला सकता है और उस खेती के द्वारा परमेश्वर को क्या कर सकता है, महिमा कर सकता है। नहीं तो परमेश्वर का ना, परमेश्वर की श्रेष्ठता की वर्णन कर सकता है। उसके लिए परमेश्वर उसे रखे, अपॉर्चुनिटी दिए। मगर क्या किया वो, उसका फायदा यूज नहीं किया। हेलो, वो उसका फायदा यूज नहीं करने के द्वारा क्या किया गया, निकाल दिया उसको। इसलिए यहां पे देख सकते हैं इस उदाहरण में द्राक्षलता के बारे में बताया गया। ये द्राक्षलता कौन है? इसराइली लोग हैं। इसराइली लोगों का जीवन शैली थोड़ा देखो। उन इसराइली लोगों को परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने अलग किया, परमेश्वर ने साफ सुथरा किया, परमेश्वर ने उनको आराधना सिखाया, परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दिया, परमेश्वर ने उनको बलि चढ़ाना सिखाया, परमेश्वर ने उनको अच्छा एक इंसान बनाया, परमेश्वर ने उनको आशीष दिलाया, परमेश्वर उनको सब कुछ तैयार करके रख दिया। तो वो खेत का ऑनर कौन है? खुद परमेश्वर। मगर ये इसराइली लोग क्या कर गए, परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर दिया हुआ चीजों को परमेश्वर नाम का नामीकरण देना शुरू किए। परमेश्वर शब्बत उनको दिए थे, विश्राम वार विश्राम दिन दिए थे, मगर वो विश्राम दिन काय के लिए, ताकि परमेश्वर की स्मरण करने के लिए। छह दिन की जो परिश्रम है, सातवां दिन उस परिश्रम को परमेश्वर के निकट समर्पण करके अगले छह दिन के लिए क्या, एक एनर्जी एक्यूप पाने के लिए, एक शक्ति सामर्थ्य अभिषेक पाने के लिए जो समय दिया गया था, उस समय को ये लोग क्या कर दिए, ईश्वर बना दिए। अभी परमेश्वर को छोड़ दिए, सबत को प्रभु मान दिए। किसको छोड़ दिए? मालिक को छोड़कर मालिक दिया गया प्रोविजन को पकड़ दिए। इसका अर्थ है खेत उनको दिया गया, फल पकड़ कर, मैं दूंगा नहीं, मेरा फल है, मैंने पानी डाला है, मैं खाऊंगा, मेरा बेटा खाएगा, मेरी बेटी खाएगी, मेरे पोते मेरी पोत पोती मेरे बुजुर्ग खाएंगे। हेलो, तेरा प्रायोरिटी क्या है? व्हाट इज योर प्रायोरिटी? परमेश्वर को छोड़कर फल को पकड़ना, जमीन को पकड़ना। इसलिए इसराइली लोग क्या करना शुरू किए, सबत को गुरुत्व देना शुरू किए। उतना नहीं, और क्या चीज को गुरुत्व, मंदिर को गुरुत्व देना शुरू किए। है ना, मंदिर में टैक्स सिस्टम आया, मंदिर में दुकान भी ऐड कर दिए, खरीदारी बेचना। पुरातन नियम के व्यवस्था में क्या करते थे लोग, अपने घर से क्या लेके आते, बाल बकरी भेड़ बढ़िया सब लेके आते थे, चल के आते थे। अभी लोग चल के आने के लिए जरूरत नहीं, वो लोग खाली हाथ आ सकते हैं। आने के बाद चर्च के बरांडा में दुकान है, तो गाय बैल 50,000 रुपया का बैल है तो सोचो वो कितने में बेचेगा। ये घर से अगर लाएगा वो गाय को, घर से लेके आएगा, सोचो कितना रुपया होगा, 50,000 रुपये और ट्रैवलिंग चार्ज उसको कैलकुलेट करके ये लोग क्या किए, इसराइली लोग बेचना, नहीं तो एक्सप्लॉयटेशन अत्याचार। मतलब ऐसा था कि उसको क्या बोलते हैं, अभी बैंक एक घर जब्ती कर लेता है तो उस नीलामी, नीलामी समझते हो, नीलामी, हाँ वो प्रोसेस चलता था चर्च के अंदर, नीलामी। 500 रुपए की चीज 1 करोड़ तक नीलामी,
वैसा अत्याचार चलता था। इसीलिए यीशु मसीह मंदिर के अंदर गए, उन सब चीजों को क्या कर दिए, उखाड़ फेंक दिए, मार गिराए, तो भी कोई यीशु को क्या नहीं किया, रोका नहीं। देखो यीशु मसीह से, परमेश्वर से उनका गुरुत्व मंदिर के ऊपर गया, बलियों के ऊपर गया, आराधना के ऊपर गया, वो सब एक रीति रिवाज बन गया। दुष्ट दुष्टता से पूर्ण बन गए, व्यवस्था जानते थे, प्रार्थना जानते थे, लेन देन जानते थे, मगर ये सब कुछ इनका क्या हो गया, फायदा के लिए यूज करना शुरू किए। तब यीशु मसीह उनको क्या किए, उन सब चीजों को तोड़ दिए। इसीलिए यीशु मसीह अपने सेवकाई में जितने भी अद्भुत किए हैं सब कुछ सब्बत के दिन ही किए, क्यों, ताकि उनको दिखाने के लिए सब्बत नहीं श्रेष्ठ, सब्बत को दिया हुआ परमेश्वर है श्रेष्ठ। इसलिए यह दुष्ट व्यक्ति को परमेश्वर सिखा रहे हैं, अरे तेरे को मैंने यह दिया क्यों, ताकि तू परमेश्वर को प्रायोरिटी मान, सो दैट यू कैन एक्सेप्ट गॉड एज योर प्रायोरिटी। अरे परमेश्वर है कलीसिया का ओनर, द्राक्षलता परमेश्वर की है, मगर यहूदी लोग, इसराइली लोग क्या बन गए, अपने फायदे के लिए व्यवस्था को, आराधना को, रीति रिवाजों को, परमेश्वर को बेचना और खरीदारी करना शुरू किया, बिजनेस डील में ला दिया। इसलिए उसके 34 को देखो, 34 जब पलटा समय निकट आया, हाँ जब पलटा समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उत्सव फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। हेलो, जब फल के समय आया किसको पता चला, मालिक को। अरे प्रोसेस क्या है, कौन मालिक को इन्फॉर्मेशन देना है, किसान इन्फॉर्मेशन देना है कि सर खेत में, आपके खेत में क्या हुआ, फल पूर्णता हुआ। हेलो, अच्छे भंडारी बनना जरूरी है परमेश्वर के घर में, कलीसिया के अंदर अच्छा भंडारी बनना है। यू शुड बी ए गुड स्टीवर्ड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। एक अच्छा भंडारी क्या करेगा, हर कुछ हिस्सों का लिस्ट रखेगा, जो कुछ भी वो करता है वो किसको पूछेगा, अपने प्रायोरिटी मालिक को पूछेगा। अगर कलीसिया परमेश्वर का है, तुम कलीसिया के भंडारी हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, सब कुछ परमेश्वर से पूछना जरूरी है, अनिवार्य है। हेलो, मेरे साथ में हो। मगर यह व्यक्ति देखो कितना स्वार्थी था, कितना लोभी था, कितना दुष्टता से पूर्ण था। अरे फल का समय आते वक्त भी किसको इंटीमेशन नहीं दे रहा है, मालिक को इंटीमेशन। अरे जिसका खाया, जिसका घर का खाया उसी को लात मारना, यही बोलते हैं, है ना। जिस कंपनी में काम किया उस कंपनी को ही निचोड़ खींच चला रहा है, जिस दुकान में काम किया उसी दुकान में चोरी भी कर रहा है, जिस दुकान, जिस जगह में तू बसा है वहीं पे तू खड्डा खोद रहा है। देखो वो मालिक कितना अच्छा व्यक्ति है, उसका उसका कॉन्ट्रैक्टर नहीं तो उसका क्या बोलते हैं, जो फार्मर खेतीबाड़ी करने वाला, इंटीमेशन ना देने पर भी यह व्यक्ति गया। परमेश्वर ने उसको, परमेश्वर ने क्या किया, अपने सेवक को भेजा। देखो परमेश्वर से सीखना चाहिए, क्या तत्व है परमेश्वर का। एटलीस्ट ये दास को भेजने से ये अपना प्रायोरिटी मेरे ऊपर रखेगा ना, मेरे को बोलेगा ना। देखो आजकल की कलीसिया क्या हो गया, विदाउट होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा शून्य, वचन शून्य। गाना गाओ बोलने से 100 गाना गाएंगे और डिस्को डांस भी करेंगे। जितना पेंट घर को लगाना चाहिए उतना पेंट पूरा शरीर में लगाएंगे।
हेलो, कलीसिया के अंदर जो कुछ भी है अच्छे भंडारी होने के कारण परमेश्वर के निकट से प्रायोरिटी मांगने के बाद ही कुछ ना कुछ करना जरूरी है। खेती बाड़ी करो, नो प्रॉब्लम, मगर खेत किसका है? मालिक का है। तेरा मालिक के साथ कैसा रिश्ता है? तेरा अच्छा गुण देख के परमेश्वर तेरे को वो खेत दिए हैं क्या? तेरे तेरे जीवन का श्रेष्ठता देख के तेरे को वो खेत दिए हैं क्या? तेरे हाथ तेरे को बोलने के लिए कुछ फायदा है क्या? ये खेत पाने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ योग्यता है क्या? कुछ नहीं, परमेश्वर के कृपा तेरे ऊपर होने के कारण, नहीं तो परमेश्वर के दृष्टि तेरे ऊपर आने के कारण परमेश्वर ने क्या किया? तुझको चुना ताकि तू क्या कर सके? परमेश्वर के खेत में लाभदायक बन सके। मगर खेत में काम करते करते खेत अपना करके खेत का फल फल पूर्णता का समय आते है वक्त भी अच्छा भंडारी ना बनना। लो, मालिक के साथ कोई रिश्ता नहीं, परमेश्वर के साथ इसराइलियों का कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। तो ये जो बलि चढ़ा रहे थे, ये जो चुंगी ले रहे थे, ये दान धर्म जो करते थे वो किसके लिए करते थे? अपने जब परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे थे तो किसके लिए कर रहे हैं? जब वो चीज अपने खुद के लिए कर रहे हो तो कौन उसमें प्रभुत्व करना शुरू करेगा? ना 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 ना, जब परमेश्वर को तूने निकाल दिया, परमेश्वर का ऊपर तेरा भरोसा को छोड़ दिया, परमेश्वर के ऊपर तेरा आश्रय को छोड़ दिया, तू अपने मन मर्जी करना शुरू किया तो कौन तेरे साथ मिल जाएगा? तेरा पादरी कौन बनेगा? हाँ, यहां पे प्रेज लॉर्ड बोलना है। इसलिए ये व्यक्ति को वो खेत मिलने के बाद इसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं आया, दुष्ट आत्मा भर गया। इसके अंदर पवित्र वचन नहीं बटा, इसके अंदर दुष्ट वचन बच गया, भर गया। समझ रहे हो मेरी बात? अगर तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं, अगर तेरे रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ नहीं, अगर तेरे रिश्ता पर स्वर्गीय स्वर्गीय प्रजाओं के साथ नहीं, तो कौन तेरे साथ रहेंगे? दुष्ट प्रजा तेरे साथ रहेंगे। इसलिए ना ये व्यक्ति मन ये बोलने से तुम मुझे पत्थर मारोगे। 90% कलीसिया के अंदर दुष्टता से पूर्ण होकर ही सेवकाई कर रहे। सोच के देखो, पवित्र आत्मा ना पाया हुआ व्यक्ति, नहीं तो अभिषेक पाया ना हुआ एक व्यक्ति गाना गाएगा तो क्या होगा? बोले नहीं, ऐसा बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा। दाऊद शॉल के घर में बैठकर क्या बजा रहा है? वीणा बजा रहा है। टी नी 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 नी, कोई और नहीं है क्या? उस देश में कोई और नहीं है क्या बजाने वाले? है, अभिषेक पाना वाला दाऊद देखिए। इसीलिए दाऊद बजाना शुरू किया, किसके अंदर से क्या निकल गया? किसके अंदर से क्या निकल गया? सॉल के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया। हालेलुया, यहां पे बोलना है। अभिषेक पाया हुआ एक व्यक्ति, पवित्र आत्मा का अभिषेक से आराधना करने वाला एक व्यक्ति म्यूजिक सिस्टम पकड़ने से काफी है। बैठने वाला राजा हो, विश्वासी हो, पादरी हो, क्या बोलते, कर्मचारी हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, जो कोई भी हो, भूत है तो निकलेगा। अगर बजाने वाले में आत्मा की शक्ति नहीं है, भूत है, तो बाकी के अंदर क्या रहेगा? हाँ, साइलेंट हो गए। प्रेज लॉर्ड, नहीं बोलेगी। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह तेरे को धन्यवाद। हेलो, पुलपिट के ऊपर जो कोई भी सेवकाई कर रहा है,
वो लोग को पवित्र आत्मा में पूर्ण। एक बात बोलूं, गवाही बोलने के लिए हकदार कौन है? हेलो, मैं प्रेरितों का किताब पहली अध्याय 7वां वचन बोल रहा हूं, गवाही बोलने के लिए हकदार कौन है? बोले नहीं? अरे यार, बोलो बोलो। ठीक है, पढ़ो। पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर उतर आएगा तब तुम क्या बनो? गवाह। तो टेस्टिमनी बोलने के लिए प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है? बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। खाली पवित्र आत्मा नहीं बॉय, बैप्टिज्म, डुबकी मार के निकलना है। हाँ, सब लोग एक डायलॉग बोल देते हैं, अरे एक व्यक्ति यीशु को प्रभु बोल के मानना है तो पवित्र। हाँ ओके, वेरी गुड। परमेश्वर का कृपा है, तेरे को थोड़ी मात्रा में क्या दिया गया? पवित्र आत्मा एक का एक क्या बोलते हैं, एक स्पर्श दिया गया। उस स्पर्श से पूरी मसीहा जीवन जीने के लिए कोशिश मत कर, समझे? नहीं, बर्तन धोने के लिए पानी की जरूरत है, धोने के बाद बर्तन के अंदर थोड़ा पानी रहेगा, रहेगा कि नहीं? वो क्या पानी है? बचा पानी है। तो अब बोलोगे पानी है क्या? बोले से तुम क्या? हाँ पानी है, वो पानी तेरे को काफी है? बोले नहीं। वो पानी से तू खाना बना सकता है? वो पानी से तू चाय बना सकता है? फिर मैंने पवित्र आत्मा पाया है बोलकर क्या जिंदगी जी लेगा? बहुत लोग यही डायलॉग मारते हैं, मैं यीशु को प्रभु माना पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा। हाँ वेरी गुड, मैं नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूं। ओके ओके ओके, वेरी गुड। वो तेरे को खाली यीशु प्रभु है बोलने के लिए ही है। यीशु प्रभु है जब बोल रहा है तो उसका अर्थ क्या है? वो पवित्र आत्मा को विश्वास कर रहा है, पिता परमेश्वर को भी विश्वास कर रहा है, तो वो क्यों पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पा रहा है? पाना चाहिए ना, नहीं पा रहा है क्यों? वो यीशु प्रभु है उतना ही उसको काफी है, पवित्र आत्मा मेरा प्रभु है उसको नहीं काफी है, समझे? नहीं, यीशु मेरा प्रभु है, पवित्र आत्मा मेरा प्रभु नहीं। अरे जब यीशु तेरा प्रभु है, पवित्र आत्मा भी तेरा प्रभु है, पिता परमेश्वर भी तेरा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा मेरा प्रभु है स्किप कर देते, इसीलिए उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतर रहे। समझे नहीं मेरी बात? यीशु मेरा प्रभु है बोल दिए, उसका अर्थ पवित्र आत्मा भी तेरा प्रभु है। ये सोचता है पवित्र आत्मा और कोई है, वो ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा को क्या कर रहे हैं? दूर भगा रहा है उस दिन। अरे एक व्यक्ति यीशु को प्रभु जब मानता है तभी पवित्र आत्मा उतर सकता है, बाइबल में प्रमाण है ना, है कि नहीं? तो क्यों लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा की बपतिस्मा उतर नहीं रहा है? क्योंकि वो लोग यीशु को प्रभु मानते हैं, पवित्र आत्मा को प्रभु नहीं मानते, वो है प्रॉब्लम। साथ में हो तो मेरे बोलने का मतलब, अगर चर्च के मिनिस्ट्री पुलपिट के ऊपर, नहीं तो चर्च का मेन स्ट्रीम लाइन में जो कोई भी है, अरे कलीसिया का मुखिया एल्डर कौन बन सकता है? चर्च का एल्डर बनने के लिए 19 क्वालिटी होना जरूरी है, 19 क्वालिटियां। सोचो कैसा हो रहा है कलीसिया। आत्मा पूर्ण वाले लोग अगर माइक नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा? ऐसे बोलने से तुमको समझ में नहीं आएगा,
माइकल जैक्सन के हाथ में माइक देके तेरे चर्च में होली होली गाएंगे गाए गाए गावाए गाना गालो उससे गाए गाना गाने के लिए बोलेंगे तो क्या होगा? आत्मा उतरेगा, आत्मा आत्मा उतरेगा, वो पवित्र आत्मा ने। हेलो हेलो, वो मेरे साथ। हेलो, शकीरा को बुलाएंगे, बोलेंगे तुम थोड़ा आके मेरे चर्च में गाना गाओ, गाएगी वो आके। किसको रिलीज करेगी? हेलो, अगर खेती का प्रायोरिटी परमेश्वर है, अगर खेती का ओनर परमेश्वर है, खेती के ओनर के साथ तेरा रिश्ता है, तो खेती का सिंचन परमेश्वर के वचन से होगा, पवित्र आत्मा की भर्ती से होगा। ऐसा है तो यह व्यक्ति कैसा पानी दे रहा था, कैसा उस खेत का उन्नति लाता था। एक चीज हमें समझ रहे हैं ना, पवित्र आत्मा पूर्ण नहीं होने से भी फल पूर्णता दिखाई देगा। दिखाई दिया कि नहीं? यहां पे परमेश्वर के ऊपर आश्रय ना रखकर दुष्टता से पूर्ण होकर यह खेती करने वाला क्या किया? फल पूर्णता लेके आया, आया कि नहीं? क्यों? खेत परमेश्वर का है, परमेश्वर ने फल पूर्णता लिया, इसका इसका काम कुछ नहीं। परमेश्वर का कृपा है, दया है। फल का समय आते वक्त इसने क्या किया? नहीं बोला भी नहीं। हेलो, मैं कलीसिया के बारे में बोल रहा हूं। कलीसिया का, कलीसिया को खेती के उदाहरण में बताया गया है। उस खेती में काम करने वाले लोग कैसे लोग हैं सोच लेना। इसलिए आजकल चर्च के चर्च में कौन कैसे कैसे लोग आ गए जानते हो ना? एक बार माइक पकड़े तो माइक छोड़ेंगे नहीं, ऐसे लोग तैयार हो गए। फोटो फिगर में आने के लिए चाहने वाले लोग आ गए, आना। हेलो, फल आते वक्त भी इसने क्या किया? नहीं मालिक को बुलाए ने, मगर मालिक ने क्या किया? अपने जगह से एक सेवक को भेजा कि नहीं? भेजने पर सेवक का क्या किया? बोले नहीं, मारा। फिर दूसरे को पीटा, दूसरे को पीटा, तीसरे को क्या किया? पत्थर मारा। फिर दूसरे बार भी भेजा, दूसरे बार 36 में देखो, पहले भेजे वाले लोगों से थोड़ा अधिक लोगों को भेजा, उनको भी सेम काम किया। ओके, अब 37 में देखो, फिर उसने किसको भेजा? बेटे को भी क्या कर दिया? मार दिया। हेलो, इसराइलियों के निकट परमेश्वर ने क्या क्या व्यवस्था दिया, भविष्य वक्ताओं को दिया, खुद यीशु मसीह उतारा है। तीन तीन व्यक्तित्व आए, व्यवस्था दिया, व्यवस्था का पालन नहीं किया। भविष्य वक्ताएं आए, मेजर आए, माइनर प्रोफेट्स आए। मेजर भविष्य वक्ताएं भी आए, माइनर बड़े भविष्य वक्ताएं, छोटे भविष्य वक्ताएं, उनका भी खातिरदारी नहीं किया। आखिरी में कौन आया? खुद मालिक का बेटा ही उतर आया। हेलो, यहां पे प्रेज़ लॉर्ड बोलना है। मालिक का बेटा उतर आने पर भी मालिक का बेटे को भी क्या कर दिए लोग?
हो। आज चर्च में भी ऐसे ही हो रहा है। पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आया ताकि तू यीशु मसीह को प्रभु मानने के लिए। यीशु मसीह को तू प्रभु मानने के बाद पिता परमेश्वर को भी तूने प्रभु मान लिया, मगर पवित्र आत्मा को तू गुड बाय बोल दिया। ऐसे लोग है कि नहीं? कितने लोग यीशु मसीह को गुरुत्व नहीं, पवित्र आत्मा को और पिता परमेश्वर को। और कितने लोग यीशु मसीह भी दरकार नहीं, पवित्र आत्मा भी दरकार नहीं, सॉरी यीशु मसीह भी चाहिए नहीं है, पवित्र आत्मा ही चाहिए, खाली पिता परमेश्वर। और कितने लोग ये तीनों भी नहीं चाहिए? नो no. यह है खेती का परिस्थिति। सोच के देखो कलीसिया किसका है? परमेश्वर का। कलीसिया की बढ़ोतरी, विश्वासियां बढ़ना, आत्मा में लाभ होना बहुत अच्छी बात है, मगर उनको यीशु मसीह की आश्रयवान कर रहे हो कि नहीं? उनको पवित्र आत्मा की आश्रयवान कर रहे हो कि नहीं? उनको पिता परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ते हो कि नहीं? कलीसिया प्रोग्रामों के हिसाब से नहीं चलता, कलीसिया प्रोजेक्ट के हिसाब से नहीं चलता, कलीसिया मनमर्जी के हिसाब से नहीं चलता, कलीसिया वचनों के हिसाब से, पवित्र आत्मा के हिसाब से, परमेश्वर के मिलाव के तहत में, परमेश्वर के क्या संगति के साथ, यीशु मसीह के क्या, यीशु मसीह के सहवास के साथ, पवित्र आत्मा के पूर्णता के साथ कलीसिया होना जरूरी है। आजकल चर्च प्रोजेक्ट बन गया। आजकल चर्च प्रोजेक्ट, आजकल चर्च प्रोग्राम बन गया। प्रोग्राम, आज के प्रोग्राम में हमारे बीच में है प्रिय भास्कर भाई, आएंगे प्रार्थना करेंगे प्रोग्राम के लिए। अरे ये प्रार्थना है, प्रोग्राम नहीं। आज के प्रोग्राम में वचन घोषणा करने के लिए दिल्ली से चिरियन पास्टर आए हैं। ये प्रोग्राम नहीं पास्टर, ये मीटिंग है, चर्च मीटिंग है। प्रोग्राम बना रहे हैं। आज की प्रोग्राम की मनोरंजन के लिए हमारे बीच में यूएसए से एक टीम आया है, क्या करने के लिए? गाना गाने के लिए, बैंड के साथ। वो लोग कुछ चीज लेके टुड़का टुड़का मार देंगे, गाना गा देंगे, कुछ भी कर देंगे, क्या करेंगे किसी को मार। अरे चर्च इज नॉट ए प्रोग्राम। चर्च एक एंटरटेनिंग ग्रुप नहीं है। कलीसिया क्या नहीं है? एक एंटरटेनिंग ग्रुप नहीं है। एंटरटेन मतलब 3 घंटा की मौज मस्ती, उसके लिए मूवी जाके देखो यार। पहली कलीसिया की प्रारंभ बाइबल में हम लोग देख सकते हैं क्या हुआ। पहली कलीसिया के प्रारंभ होते ही चर्च का मीटिंग खत्म हुआ ही नहीं, लोग बाहर से क्या करना शुरू किए, ये लोग सुबह सुबह दारू पी लिए। कौन बोला? बाहर के लोग। मीटिंग खत्म हुआ कि नहीं, बपतिस्मा का प्रोग्राम रेडी। हेलो, मीटिंग खत्म हुआ कि नहीं? एक झुंड तैयार हो गए नेक्स्ट चर्च बनाने के लिए। 12 थे, 120 बन गए, 120 थे वो 3000 बन गए, 3000 5000 बन गया। मेरे साथ में हो? मीटिंग खत्म हुआ ही नहीं, नेक्स्ट मीटिंग के लिए लोग रेडी। लो, पवित्र आत्मा से पूर्ण होने से यही होगा। पहले पहले चर्च मीटिंग में कोई गाना गाया? प्रेरितों का किताब 2 अध्याय में गाना गाए? मेरे साथ हो कि नहीं? प्रेरितों का किताब का आराधना में वो लोग गाना गाए, लिखा है
वो लोग किसके लिए आए थे? प्रार्थना के लिए। आज हम लोग क्यों आते हैं? प्रार्थना के लिए नहीं। हेलो, प्रार्थना के लिए आओ बोलने से कितने लोग आएंगे? पूरा नाइट प्रार्थना है, आ जाइए बोलने से कितने आएंगे? चर्च में अटेंडेंस रहेगा 400, आएंगे कितना? 10, 9, 5। अरे लोगों को प्रेयर नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। तू 100 गाना गाता है, जितना टाइम वेस्ट करता है। गाना कब गाने के लिए बाइबल कहता है? हाँ हाँ, जब खुशी हो, जब दुखी हो तब गाना गाओ। हाँ हाँ या ना? तो हमारे ये सिस्टम में क्या, चर्च के सिस्टम में गाना काय काय के लिए गया? खुशी भी है, दुखी भी है, वर्णन करने के लिए। इसलिए चर्च में गाना चलता है, मैं दुखी भी हूं, मैं सुख भी हूं, मैं दुखी भी हूं, मैं आनंद भी हूं, इसलिए गाना गा रहा हूं। अरे गाने की जरूरत नहीं, प्रार्थना और क्या चाहिए? वचन घोषणा, वो है इंपॉर्टेंट। गाना सेकेंडरी है। अगर चर्च में 100 गाना गाता है, 3 घंटा जाता है, तो वचन भी 3 घंटा, 3 नहीं 6 घंटा बोलना जरूरी है। If your worship is for 1 hour, then the word of God should be 2 hours, double. है कैपेसिटी 2 घंटा बैठने के लिए। सौ बार इंजिन ऑन करेंगे, इंजिन ऑन। 100 बार चर्च में बैठ के 100 टाइम। 15 बार गुड़ 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 गुड़। 2 बार टॉयलेट। हेलो, गाना सेकेंडरी है, प्रार्थना और क्या चाहिए? वचन घोषणा की जरूरी है। प्रार्थना में पवित्र आत्मा की आग उतरना है, वचन घोषणा में पवित्र आत्मा की आग घुसना उतरना है। वो होने के बाद गाना गा के आराधना करो यार, समझे नहीं? हमारा सिस्टम पहले प्रार्थना, फिर गाना, फिर वचन बोलना। जब गाना गाना है, गाना गाएंगे तभी पूरा पसीना निकाल देंगे, फिर वचन क्या सुनेंगे? वचन आरामदायक, हाथ पांव को लंबा करके आराम करने का ऐसा। हेलो, मेरे साथ में हो? प्रार्थना और क्या चाहिए? वचन घोषणा की जरूरत है। उसके बाद वचन तेरे को पवित्र आत्मा में भर्ती किया तो गाना गा, छलांग लगा, गिड़गिड़ा कर, रोल हो, कुछ भी कर, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है मेरे बात? तो ही कलीसिया के अंदर क्या फल पूर्णता आ सकती है। मैं बहुत दुखी मन से बोलता, आजकल के लोग सब गाना 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 का सीडी भी बेचना, धूमधार पैसा भी कमाना। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, दाऊद ऐसा नहीं रहा, मूसा ऐसा नहीं रहा। वो लोग इतने अच्छे अच्छे गाने लिखे, कोई भी गाने को वो लोग सीडी बना के बेचे नहीं। भजन संगीता 23, परमेश्वर मेरा परमेश्वर, यहोवा मेरा चरवाहा, मेरी कोई घटी नहीं होगी। मेरे को परमेश्वर हरी भरी चरों में परमेश्वर मुझे चराते, अच्छे अच्छे गाने, उस गाने को खरीदारी करने के लिए बेचा नहीं, फ्री में, मुफ्त में, आत्मा पूर्णता में लिखकर हमारे सामने पेश किया। इसलिए आज भी हम भजन संगीता 23वां वचन पढ़ते हैं, एक उज्जीव हमारे अंदर आता है, आत्मा पूर्णता से निकला है। गाना गा रहा है, वेरी गुड, आत्मा पूर्ण है कि नहीं?
तेरी गाना आत्मा पूर्णता लाता है या दुष्ट आत्मा पूर्णता लाता है? अगर आत्मा पूर्णता लाता है तो दुष्ट आत्मा वहां रुक नहीं सकता, इसलिए ना सवाल के ऊपर दुष्ट आत्मा रुक नहीं सका, निकल गया। हेलो, जब तेरा आश्रय तेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, तू कलीसिया में जब अच्छा भंडारी बनेगा तो लोगों को क्या करेगा? सप्लाई स्वर्गीय देगा। यू विल गिव द हेवनली सप्लाई टू द पीपल हु आर इनसाइड द चर्च। कलीसिया के अंदर मिलकर आने वाले व्यक्तियों को स्वर्गीय तत्व, स्वर्गीय मर्म, स्वर्गीय आत्मा को देकर क्या करेगा? परिपूर्ण कराएगा। अगर वो नहीं हो रहा है, वो एक प्रोग्राम शीट है, वो एक क्लब है, क्लब क्लब। इसलिए एक व्यक्ति के निकट तीन लोगों को बेचा, तीनों का उसने क्या कर दिया? तीनों का उसने क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। सबसे आखिरी वाला भविष्यवक्ता कौन थे? लास्ट प्रॉफिट थे यूहन्ना। हाँ, ये थोड़ा बोल, ये थोड़ा डिस्कस कर। यूहन्ना का मौत क्यों हुआ? हाँ, नाच गाना देखा था, वो मौज मस्ती आ गया। ऐसे बोलने से तुमको समझ में नहीं आएगा। नाच गजाना, नाच नाच बजाना, गाना गाना, गाने के बाद राजा को क्या हो गया? ओ, बहुत खुश हो गया। बेटी तेरे को जो कुछ भी चाहिए मांग। बेटी अच्छी चीज को ही मांगी क्या? परमेश्वर के दास का बलि चढ़ाओ। वो किस कौन से दिन था? बर्थडे के दिन। हेलो, बर्थडे के दिन। तो बाइबल के हिसाब से बर्थडे है, बर्थडे मनाया जा सकता है। मनाओ मनाओ मनाओ, नो प्रॉब्लम। बाइबल में जो जो बर्थडे किया है वो बर्थडे के दिन मौत ही हुआ है। आया ना? ये बोलना बहुत अनिवार्य है। हमारा सिस्टम, हमारे बर्थडे कैसे होते हैं बोले नहीं? कैसे आप लोग बर्थडे करते हो? मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी बर्थडे किया नहीं। बोलो बोलो, ये बोल के मैं बंद करना चाहता हूं। ये थोड़ा बहुत गुरुत्व वाला चीज है। बर्थडे में क्या होता है? 2 किलो की केक लेके आते हैं, केक के ऊपर एक क्या लगा देते हैं? कैंडल। हाँ, बाइबल कहता है तुम जगत के ज्योति हो, और बर्थडे के दिन तुम क्या करते हो? वही ज्योति को लगा के फूंकते हो। मैं जगत का ज्योति नहीं हूं। और गाना हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, लज्जा नहीं, शर्म नहीं आता? हेलो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम्हें दुनिया को क्या करना है? ज्योति देना है। वो व्यक्ति 1-2 किलो का पराठा सामने रखे, उसके ऊपर ओ जीसस फूकना, और फूकते फूकते वक्त स्प्रे ओ यीशु। अरे ब्रा, बर्थडे के दिन प्रार्थना से प्रारंभ कर। 1 साल तक परमेश्वर मुझे बचाया, अगला 1 साल मैं प्रायोरिटाइज परमेश्वर के हाथ में देता हूं। मैं परमेश्वर के लिए एक अच्छा भंडारी बनूंगा, मैं परमेश्वर का एक अच्छा सेवक बनूंगा, मैं परमेश्वर के लिए एक अच्छा आराधना करने वाला बनूंगा, मैं परमेश्वर के वचन से चलूंगा, मेरे अंदर पवित्र आत्मा की भर्ती अधिक अधिक होगा, मैं अभिषेक से पूर्ण होऊंगा। वो चीज को गुरुत्व कर, फूक फूक के
फूकने के लिए लाइट भी बंद कर देते हैं। फूकने के लिए कैंडल फूकने के लिए लाइट बंद कर देते हैं। तो इसका अर्थ है अंधेरे में रुकना इनको पसंद है। हेलो, सेलिब्रेटिंग बर्थडे इज लीडिंग यू टू डार्कनेस, तुझे अंधेरे में ले जा रहा है। परमेश्वर की वचन अंधेरे में तेरे को रोशनी देती है, तू रोशनी पाया हुआ व्यक्ति है। केक खरीदो, वेरी गुड, मगर फूका फूकी मत करो। आजू बाजू लोगों को बोलो, केक खरीद कर काट के देके बोलो, मैं ये केक क्यों दे रहा हूं, आज मेरा जन्मदिन है, पिछले एक साल परमेश्वर मुझे बनवान कृति से रखा है, मैं आज जिंदा हूं, यीशु मेरे अंदर है, इसीलिए तुम्हें भी परमेश्वर जिंदा दिला सकता है। केक उनको खिला के सुसमाचार बोल, केक उनके मुंह में ठूस के तेरा परमेश्वर की वर्णन कर। तू फूका फूकी खेलने के लिए नहीं, तू बैलून तोड़कर उड़ने के लिए नहीं, हाँ, तू तेरा घर को गंदगी बनाने के लिए नहीं। बर्थडे सेलिब्रेट होने के बाद घर में इतने गंदगी होता है, दो दिन लगता है वो गंदगी साफ करने के लिए। प्रेज लॉर्ड, नहीं बोले। दो दिन लगता है घर का गंदगी हटाने के लिए। और कितने लोग तो केक अपने मुंह में, पैंट में, शर्ट में, ड्रेस के अंदर कहां कहां डाल के। अरे खाने वाला चीज क्यों मुंह में लगाते हो? मुंह में लगाने के लिए केक खरीदे? खाने के लिए खरीदे ना, दिखा रही हो और उसको फेसबुक और ट्विटर में लाइव, देखो देखो मैं 600 रुपए का कौन सा केक, कोई केक का नाम बोलो, ब्लूबेरी केक खरीदा और मुंह पे लगाया। यही देखकर दूसरा विश्वासी भी सेम पनी सेम काम, तू 2 किलो का खरीदा तो वो 6 किलो का खरीदेगा, तू 2000 रुपये का कचरा घर में किया तो वो 7000 रुपये का कचरा। रेस्टोरेंट नहीं बोलिए, बोलोगे नहीं, मेरे को मालूम है, पत्थर मारो, जितना मारना है मारो। हेलो, और कितने लोग तो खाना खाना खाना, ओ चिकन मटन बिरयानी सब कुछ, खाना खाने के बाद कितना वेस्ट जाता है। इंडिया में लोग तीन बार दिन में खाना नहीं खा पा रहे, एक बार खाना ही मुश्किल हो रहा है इंडिया में लोगों को, कचड़े से लोग खाया हुआ मैंने देखा है मेरे आंखों के सामने, कचड़े में गिरा हुआ चीज को उठाकर खाया। क्या कर रहे हैं हम बर्थडे के नाम पे खाना वेस्ट कर रहे हैं? यू आर इंसल्टिंग गॉड, यू आर इंसल्टिंग द प्रोवाइडर, यू आर इंसल्टिंग द ओनर, तू वो मालिक का इंसल्ट कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। लो, माफी मांगना, मैं परमेश्वर के सन्निधि में दुखी के अनुभव से ये बता रहा हूं, परमेश्वर को तू दुखपूर्ण बना रहा है, पवित्र आत्मा रो रहा है, दुख लग रहा है। बर्थडे मनाओ मनाओ, मगर वो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। केक खरीदो, दूसरे आजू बाजू लोगों को दो, तुम मत खाओ, तुमको क्या कमी है केक खाने की, क्या कैंडल फूकने की कमी। अरे आजू बाजू लोगों को देकर बोलो, मैं आज भी जिंदा हूं, आज भी मेरी नाक से हवा जा रही है, वो शरीर में जाकर वापस आ रहा है, परमेश्वर की कृपा है। मेरा एक भी हेयर गिरा नहीं, वो मेरा परमेश्वर जानते हैं। तुम्हारा क्या है? अपना नाम जीवन पुस्तक में किया है क्या? क्योंकि कितने लोगों को पत्रिका देने से वो लोग सुसमाचार नहीं सुनेंगे, उनको केक की जरूरी है। केक देने से वो लोग केक खाते खाते सुसमाचार सुन के वो लोग कलीसिया में आ सकेंगे। कितनों को तो चिकन पीस चाहिए, चिकन, अरे उसको चिकन खिला के तू सुसमाचार बोल।
अरे जिसको जो जरूरती है वो देके तू सुसमाचार बोल, तू यीशु को दिखा। तू दुनिया को मत दिखा, तेरे पास धन दौलत है बोलकर, तेरे पास पदवी है, तेरे पास श्रेष्ठता है, मत दिखा। इट्स नॉट ए शो ऑफ एक्टर। ये दुष्ट व्यक्ति के समान आज कलीसिया के लोग बन रहे हैं। मेरे साथ में हो? लो, मेरे साथ में हो? लो, मैं अपने वचनों को बंद करना चाहता हूं और मैं बहुत नहीं मारूंगा, ये बहुत बहुत अधिक हो गया। इसलिए प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, मैं एक ही चीज आप लोगों को विनती के साथ बोल रहा हूं, जो कुछ भी करो वो परमेश्वर के महिमा के लिए करो। यू आर फॉर गॉड, तू परमेश्वर के लिए है, तुझे परमेश्वर ने खड़ा किया, तेरा ओनर परमेश्वर है। रिमेंबर योर, इसलिए बाइबल कहता है अपने यवक यवन प्राय में किसकी खोज करो। When you are young, हेलो, वो वचन एक बार पढ़ने से बहुत अच्छा होगा, आई थिंक सो। जवानी कब है तेरा जवानी? बोले नहीं। हेलो, कब है तेरा जवानी? बोले नहीं। कब है तुम्हारा जवानी? जवाब दो ना, कोई कुछ बोलता नहीं है। लो, ब्रेसलेट नहीं चाहिए मुझे। जवानी कब है? देखो एक्लिसियास्टिक 12 का एक, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, जिससे पहले की विपत्ति के दिन और उसमें वर्ष आया जिसमें तू कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता। मेरे मन इसमें नहीं लगता। हाँ, कब कब है तेरा यूथ, तेरा जवानी कब है? पूरे दिन से। हाँ, पूरे दिन। अरे जब तू परमेश्वर के साथ रिश्ता शुरू किया, नहीं तो जिस दिन तू उद्धारी पाया उस दिन से तेरा जीवन का शुरुआत हुआ, जवानी का शुरुआत, क्योंकि दुष्टता को तू उसी दिन तूने छोड़ दिया, तू जवान बन गया। इसलिए है अब्राहम के बारे में क्या कहा, वो बुजुर्ग होने पर भी उसके वो उसका शरीर जवानी में परिपूर्ण हो गया, इसलिए वो संतान उसकी सभी 99 ईयर्स में संतान प्राप्त हुआ। जवानी है वो, आत्मिक जवानी। हेलो, आइए परमेश्वर के निकट आके बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर मुझे तूने जो 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 भाग्य दिया है उस भाग्य के हिसाब से मैं अपने जीवन को चलाऊंगा, मुझे सहायता दीजिए बोल के परमेश्वर के निकट प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय तेरे सन्निधि में हम वचन के साथ आ रहे हैं परमेश्वर, तू हम